जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में सेना और पुलिस के तीन अफसरों और एक जवान के कातिल आतंकियों को कोकरनाग के जंगलों में सुरक्षा बलों ने घेर लिया। बताया जा रहा है कि 2-3 आतंकी जंगल में पहाड़ियों में छिपे हैं। सुरक्षा बल आतंकियों को मार गिराने के लिए ड्रोन से बमबारी कर रहे हैं। इतना ही नहीं, आतंकियों के खात्मे के लिए पैरा कमांडो को भी उतारा गया है। कोकरनाग के जंगलों में चल रहे ऑपरेशन के वीडियो भी सामने आए हैं। इसमें गोलीबारी और धमाकों की आवाज को सुना जा सकता है। दरअसल बुधवार को अनंतनाग के कोकरनाग में सुरक्षा बलों ने आतंकियों के खिलाफ सर्च ऑपरेशन शुरू किया था। सुरक्षा बलों ने आतंकियों को घेर कर रखा था। जैसे ही सुरक्षा बल के अधिकारी उस जगह पर पहुंचे जहां आतंकी छुपे हुए थे, तो आतंकियों ने अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जिसके बाद मुठभेड़ शुरू हो गई। इस दौरान सेना के कर्नल मनप्रीत सिंह, मेजर आशीष और जम्मू कश्मीर पुलिस के डीएसपी हुमायूं भट्ट को गोली लग गई। आनन फानन में घायल अफसरों को हेलीकॉप्टर से एयरलिफ्ट किया गया, लेकिन इन अधिकारियों को बचाया नहीं जा सका। बुधवार को जख्मी हुए एक जवान ने भी गुरुवार को दम तोड़ दिया। इस आतंकी हमले में उज्जैर समेत 2-3 आतंकी हैं। इन आतंकियों को सुरक्षा बलों ने जंगलों में घेर कर रखा है। आतंकी संगठन लश्करे तैयबा की शाखा टीआरएफ ने इस आतंकी वारदात की जिम्मेदारी ली है। बताया जा रहा है कि इस हमले में 10 लाख के इनामी आतंकी उजैर का हाथ है। सुरक्षा बलों ने उजैर समेत 2-3 आतंकियों को घेर रखा है। आतंकियों ने पहाड़ी की आड़ ले रखी है। आतंकियों की लोकेशन ट्रेस करने के लिए सेना हेलीकॉप्टर, क्वाड कॉप्टर और ड्रोन की मदद ले रही है। बड़ी संख्या में स्पेशल फोर्स की टीमों को तैनात किया गया है। सुरक्षा बलों ने उस इलाके को चारों तरफ से घेर रखा है जहां आतंकी छिपे हैं। बताया जा रहा है कि अप्रैल में जिस आतंकी मॉड्यूल ने सेना के 5 जवानों पर पुंछ में हमला किया था, उसी मॉड्यूल ने अनंतनाग हमले को अंजाम दिया। लश्कर और जैश के आतंकियों को मिलाकर बना यह नया आतंकी मॉड्यूल 6 महीने से घाटी में एक्टिव है। कोकरनाग के जंगलों में बड़ी संख्या में सुरक्षा बलों ने डेरा डाल रखा है। गुरुवार सुबह जंगलों में तलाशी अभियान फिर से शुरू किया गया। गुरुवार सुबह सुबह मुठभेड़ क्षेत्र से 3 धमाकों की आवाज सुनी गई। डीजीपी दिलबाग सिंह ने कहा कि आतंकियों को हमने घेर रखा है, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। हमारे जवान ऑपरेशन को जल्द खत्म करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। इस ऑपरेशन में सभी नई पीढ़ी के हथियारों और उपकरणों का इस्तेमाल किया जा रहा है। ड्रोन से लेकर हेलीकॉप्टर तक का इस्तेमाल किया जा रहा है। एएनपी टाइम्स की रिपोर्ट।